हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं आपको सिंपल कुर्ती और सलवार दोनों की कटिंग स्टिचिंग बताऊंगी। कटिंग मैंने पहली वीडियो में डाल दी है, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो। अभी दूसरी वीडियो में आपको स्टिचिंग बताऊंगी, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। ये देखिए, ये कुर्ती मैंने कट कर रखी है और ये सावन स्पेशल सूट है। ये लहरिए की सलवार और ये कुर्ती ग्रीन कलर की, रेड और ग्रीन, बिल्कुल सावन का बहुत ही बढ़िया कलर ही। अब मैं इसको, ये मैंने उरेब पट्टियां कट कर रखी हैं और अंदर की साइड धागा डालते हुए इस प्रकार से गले पे दोनों साइड पाइपिंग निकालूंगी। आगे और पीछे के दोनों भाग मैंने आपको कटिंग में बताया था कि मैं पाइपिंग निकालने वाली हूँ। इस प्रकार से रखते हुए सिलाई लगाऊंगी और आगे और पीछे के दोनों हिस्सों में रेड कलर की पाइपिंग निकाल लेंगे। ये देखिए, मैंने दोनों हिस्सों पे पाइपिंग निकाल ली है, आगे और पीछे के हिस्से पे। अब हमें करना क्या है, दोनों को इस प्रकार से मिलाते हुए इसका तीरा ज्वाइंट करेंगे। पहले दोनों साइड से सिलाई लगा लेंगे तीरे पे। ये मैंने तीरा ज्वाइंट कर लिया है। अब मैं बाजू लूंगी, पहले इसको साइड में कर दूंगी। ये देखिए दोनों बाजू, और ये रेड कलर की पट्टी लूंगी। बाजू पे मैं पाइपिंग नहीं लगाऊंगी, इस पट्टी की मदद से डिजाइन बनाऊंगी। ये देखिए, ये 1.5 इंच की पट्टी मैंने कट कर रखी है चौड़ाई में, लंबाई में जो ये बाजू की मोहरी है, दोनों बाजू की इसके जितना है। बाजू का हम सीधा हिस्सा लेंगे और ये वाली पट्टी भी हम सीधी साइड से ही रखेंगे, अच्छी तरह से देख लेंगे और इसको इस प्रकार से फोल्ड करेंगे और बाजू के हिस्से को, आगे वाले जो मोहरी का हिस्सा है, इसको भी अंदर की साइड इस प्रकार से फोल्ड करेंगे और दोनों हिस्सों को इस प्रकार से मिलाते हुए किनारी पे सिलाई लगाएंगे और दूसरी साइड भी इसी प्रकार से फोल्ड करते हुए किनारी पे सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, इसे इस प्रकार से मैं पट्टी का रूप दूंगी, दोनों साइड से बिल्कुल बराबर पट्टी को मोड़ लेंगे। ये बहुत ही सुंदर लगेगी क्योंकि इसके मैचिंग की सलवार है हमारे पास। ये देखिए, एक साइड मैंने सिलाई लगा ली। अब मशीन को घुमाते हुए दूसरी साइड भी इसी प्रकार से पट्टी को फोल्ड करेंगे अंदर की साइड, और जितनी बड़ी आपको पट्टी रखनी हो उतनी हम बाहर की साइड रखेंगे और अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे इस प्रकार से। और इस साइड भी हम किनारी पे सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, बिल्कुल बराबर मिलाते हुए और इसको डिजाइन का रूप दे देंगे। ये देखिए, ये पट्टी मैंने लगा ली है और अब कुर्ती को इस प्रकार से सीधा करेंगे। तीरा मैंने पहले से ज्वाइंट कर लिया था और जो कुर्ती का ये ज्यादा कटा हुआ हिस्सा है, ये देखिए, जो मैंने बाजू का कट किया था वो हिस्सा, ये हिस्सा ज्यादा कटा हुआ है, और जो आगे की साइड वाला हिस्सा है इसको भी हमने ज्यादा कट किया था, इसमें ये वाला हिस्सा है, और जो ये बीच वाला कट है इसको इस प्रकार से मिलाते हुए सीधी सिलाई लगा लेंगे और बाजू को हम आर्म होल पे चढ़ा देंगे। ये देखिए, मैंने बाजू चढ़ा ली है दोनों साइड की आर्म होल पे। और अब मैं हम यहाँ से मोहरी का नाप लेंगे। मोहरी का नाप मेरे पास है 5 इंच और 5 इंच पे निशान लगाएंगे। और जो ये मैंने आगे फिटिंग के लिए निशान लगा रखा है, आपको लगा के बताया था, इस प्रकार से सीधी सिलाई लेंगे और जो ये फिटिंग वाला निशान है इस पे लगाते हुए साइड की, दोनों साइड की फिटिंग कर लेंगे। ये देखिए, मैंने दोनों साइड फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब जो ये नीचे की साइड है इसको इस प्रकार से बराबर मिलाते हुए फोल्ड के लिए मैंने आपको बताया था, 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ नीचे की साइड से फोल्ड करने के लिए, और 1 इंच मैंने ऊपर के लिए रखा था, 3 इंच का मार्जिन लिया था जो कटिंग के समय आपको बताया था।
यहाँ से आप या तो दो दो इंच पे निशान लगा के इसको फोल्ड कर सकती हैं। मैंने ये छोटे छोटे कट लगा रखे हैं दोनों साइड, और इसको इस प्रकार से फोल्ड करते हुए आगे और पीछे की दोनों झोलियाँ इस प्रकार से सिलाई लगा दूंगी। ये सिलाई मैं 5 नंबर की लगाऊंगी क्योंकि इस पे बाद में मैं तुरपाई करने वाली हूँ। ये देखिए मैंने आगे और पीछे दोनों हिस्सों की मुड़ाई कर ली है। अब जो ये साइड वाली मुड़ाई है इसको हम इस प्रकार से झोली का नाप लेंगे और हमें झोली कितनी रखनी है उसके अकॉर्डिंग मुड़ाई करेंगे। ये देखिए इस प्रकार से फोल्ड करेंगे और दूसरी साइड भी हम इतना ही फोल्ड करेंगे बिल्कुल बराबर बराबर इस प्रकार से, और इस पे सिलाई लगा देंगे। इसके चारों हिस्से बिल्कुल बराबर फोल्ड होने चाहिए। आप नाप के भी सिलाई लगा सकते हो या फिर अंदाज से भी लगा सकते हो। इस प्रकार से ये देखिए फोल्ड करते हुए बिल्कुल बराबर इसी प्रकार दूसरी साइड से फोल्ड करेंगे। ये देखिए मैंने दोनों पल्लों की बराबर मुड़ाई कर ली है। ये देखिए साइड से पल्ले मुड़ के तैयार हो चुके हैं इस साइड के भी। अब मैं आपको सिलवार सिलना बताऊंगी और बाद में इसका दोनों का साथ में ही लुक दिखाऊंगी कि ये कितने सुंदर लगेंगे। ये देखिए ये सिलवार का कपड़ा जो मैंने कट किया था, अब आपको सिलना बताऊंगी। ये मैं पहले बेल्ट ले लेती हूँ और बेल्ट के दोनों साइड सिलाई लगाऊंगी। ये देखिए मैंने दोनों साइड से सिलाई लगा ली है। अब इसकी जो एक साइड है इसको लूंगी और इस प्रकार से करते हुए इसके यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी जितना नेफा बनेगा उतना, और सिलाई लगाने के बाद इस प्रकार से फोल्ड करते हुए नेफा बना लूंगी। नेफे के लिए लगभग मैं 1.5 इंच का कपड़ा यूज करूंगी। 1/2 इंच इस साइड चला जाएगा, 2 इंच मार्जिन का लिया था मैंने। ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है और अब जो ये बीच की सिलाई है इसकी सिलाई इस प्रकार से सिलाई सिलाई कट करेंगे। ध्यान रहे कपड़ा ना कट कर दें। और ये देखिए सिलाई कट करने के बाद ये नेफा बन चुका है। अब मैं पल्ला लूंगी। ये देखिए जो मैंने ये 2 पल्ले कट किए थे इसमें से 1 पल्ला लूंगी, और जो ये कली है इसको लेंगे। पल्ला हमें सीधी साइड से रखना है, ध्यान रहे पल्ला उल्टी साइड नहीं होना चाहिए, और जो ये कली है ये उल्टी साइड से रखेंगे इसके ऊपर। ये देखिए इस प्रकार से, और ये ऊपर की साइड से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। एक पैर के मार्जिन तक मार्जिन से सिलाई लगाएंगे और ये नीचे मोहरी है ये वाली, यहाँ तक ये सिलाई लगाएंगे पल्ले और कली को इस प्रकार से मिलाते हुए। ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली। अब इसको इस प्रकार से सीधा करेंगे तो ये कली वाला हिस्सा भी सीधा आएगा और ये जो पल्ले वाला है ये भी सीधा है। अब दूसरी कली लेंगे और इसको पल्ले को हम सीधा ही रखेंगे और कली को उल्टी साइड से रखेंगे इस प्रकार से मिलाते हुए। इस पे भी सिलाई लगाएंगे और इसी प्रकार जो दूसरा हिस्सा है सलवार का वो हिस्सा जोड़ लेंगे। ये मैंने दोनों साइड के पल्ले जोड़ लिए हैं। अब हम एक पल्ले को सीधी साइड से रखेंगे और दूसरे वाले को इसके ऊपर उल्टी साइड से रखेंगे, और फिर से जो ये आसन वाली सिलाई है ये सिलाई लगाएंगे दोनों साइड। ये देखिए मैंने दोनों साइड सिलाई लगा ली है। अब ये एक हिस्सा तो आगे की साइड आएगा और एक ये पीछे की साइड आएगा। उस हिस्से पे हम सिर्फ 2 प्लेट्स डालेंगे। जो ये सिलाई है यहाँ पे 1 प्लेट्स इस साइड और दूसरी को इस साइड से इस प्रकार से ये 2 प्लेट्स पहले ही डाल लेंगे
और बाद में आपको आगे वाली प्लेट डालना बताती हूँ। ये दो प्लेट्स मैंने डाल ली। अब मैं बेल्ट लूंगी और बेल्ट को जो ये नेफा है यहाँ से इस प्रकार से मोड़ूंगी और जो ये देखिए ये सिलाई यहाँ पे आएगी बीच वाली, इसमें तो जॉइंट है, मैंने सिलाई लगा रखी है। अगर जॉइंट ना हो तो इस प्रकार से मिलाते हुए आप कट लगा सकते हो। अब इस बेल्ट को मैं एक बार फिर से फोल्ड करूंगी इस प्रकार से और दो कट यहाँ पे लगाऊंगी। ये देखिए दोनों साइड ये बराबर कट हैं, ये देखिए। अब जो आगे की साइड वाला जो है ये देखिए, जो ये आगे की साइड है आसन की, यहाँ पे जो ये मैंने नेफा लगा रखा है, नेफे वाली जो सिलाई है ये वाली, इसको इस सिलाई से इस प्रकार से मिलाएंगे और यहाँ पे रखेंगे, ये देखिए। और अब हमें करना क्या है कि जो ये मैंने कट लगाया है बेल्ट पर ये वाला, यहाँ तक ही चुन्नट आनी चाहिए, ज्यादा आगे तक नहीं। और इस प्रकार से कपड़ा उठाते हुए ये देखिए बिल्कुल बराबर एक एक करके मैं इसमें प्लेट्स डालूंगी। ये देखिए कपड़े के अनुसार ये प्लेट्स छोटी बड़ी कर सकते हैं। ये देखिए साथ की साथ नेफे की सिलाई लगा लेंगे इस प्रकार से। जो मैंने ये कट लगाया है प्लेट से यहां तक ही डालूंगी, बाद में सीधी सिलाई लगाऊंगी। ये देखिए मैंने कट तक प्लेट डाल ली है, ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है। अब जो ये दूसरी साइड वाली प्लेट्स हैं, जो ये सामने वाली, ये इनको इस प्रकार से डालेंगे, ये देखिए इस प्रकार से, ये दोनों साइड की आमने और सामने आनी चाहिए और ऊपर ये बेल्ट इस प्रकार से बेल्ट की सिलाई लगा देंगे। इस चीज का यही ध्यान रखना है कि प्लेट्स दोनों साइड की आमने और सामने होनी चाहिए। ये देखिए मैंने दोनों साइड प्लेट्स डाल ली हैं। अब यहाँ पे फिनिशिंग के लिए किनारी पे सिलाई लगाऊंगी। ये देखिए मैंने फिनिशिंग की सिलाई लगा ली। अब मैं बुकरम लूंगी और इसको दो हिस्सों में कट कर दूंगी। ये मैंने इसकी चौड़ाई लगभग 3.25 इंच रखी है, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और सिलवार के मैचिंग का कपड़ा लूंगी और इसके साथ इस प्रकार से एक साइड फोल्ड करते हुए यहाँ पे एक पैर के मार्जिन से सिलाई लगाऊंगी और दूसरी साइड से एक पैर के मार्जिन से कट कर दूंगी। ये देखिए मैंने दोनों हिस्सों पे सिलाई लगा के और एक पैर के मार्जिन से कट कर लिया है। अब मैं मोरी वाला हिस्सा लूंगी और इसको इस प्रकार से, मोरी वाले हिस्से को इस प्रकार से अंदर की साइड फोल्ड करते हुए और इस वाले हिस्से को इस प्रकार से रखते हुए किनारी पे सिलाई लगाऊंगी। ये देखिए मैंने किनारी की सिलाई लगा ली। अब इसको दूसरी साइड से इस प्रकार से रखते हुए एक सिलाई यहाँ, जो ये पाइचा है, जो ये मोहरी वाला, इस पे किनारी पे लगाएंगे फिनिशिंग के लिए। और डिजाइन आप अपने मन अनुसार बना सकते हैं। ये देखिए मैंने मोहरी तैयार कर ली है, बिल्कुल सिंपल टाइप से मैंने इस मोहरी पे सिलाई लगाई है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। अब मैं मोहरी को इस प्रकार से मिलाते हुए, ये देखिए, और इसकी जो फाइनल सिलाई है वो लगाऊंगी। यहाँ से मोहरी मैं रखूंगी 6 इंच, आप अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा रख सकते हैं। और इसी प्रकार से जो दूसरी साइड की मोहरी है उसको भी मैं 6 इंच ही रखूंगी और सिलाई लगा लूंगी। ये देखिए मोहरी के मैंने दोनों साइड सिलाई लगा ली है और सलवार बनके तैयार है। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।
अगर मेरे चैनल पर पहली बार आएंगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सिलाई से संबंधित वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं।